वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 अगस्त 2023, और 12 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2023 का आयोजन, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन, और रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बन गया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो लगातार आपको बढ़िया तरीके से सुबह 6 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में कौन सा देश बोस्टोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग 11 अगस्त को की? तो ये की है रूस देश ने। 2022-23 में प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाले कौन से राज्य हैं? तो 1 नंबर पे बिहार, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे है तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन पद का कार्यभार किसने संभाला? संजय कुमार ने। और आज आपको शाम तक वर्तमान के अंदर कौन क्या की क्लास आपको मिलेगी, यानी कि अगस्त तक जितने भी नवीनतम नियुक्ति हुई ना भारत के अंदर कौन क्या, उसकी भी आपको अलग से क्लास आज मिल जाएगी। हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 6ठा स्थान है। हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? तो वो है श्रीनगर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भू विजन को किस शहर में लॉन्च किया? तो ये किया है हैदराबाद में। और किस लिमिटेड ने GSAT-24 संचार उपग्रह के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी की? तो ये की है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो ये आज कल के क्वेश्चनों को हमने रिवाइज कर लिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, स्टार्ट करें आज की क्लास। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, और ये हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर RPSC और RSMB द्वारा ये ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अंदर कल मैंने RS में जो जितने भी एग्जाम हुए ना RS के, और उनके अंदर एग्जाम में पूछे गए कला संस्कृति और ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की भी मैंने इसके अंदर टेस्ट सीरीज डाल दी है। तो आपको पता है 1 अक्टूबर को RS का एग्जाम है प्री का, तो इसलिए आपको पीछे के क्वेश्चनों को जानना चाहिए भी किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो ये कल मैंने RS में जितने भी एग्जाम में पीछे जो क्वेश्चन आए हुए ना वो सब इसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिए। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करें। बाकी अपने राजस्थान पुलिस की कॉन्स्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा टेस्ट होगा ऐप के अंदर। उसके बाद में राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, और ये RPSC वाली तो चल ही रही है। उसके बाद में संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, BSTC एग्जाम 99 रुपए के अंदर। इसमें भी आपको शेड्यूल के माध्यम से लगभग 12-13 टेस्ट इसके अंदर डाले जा चुके हैं। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो ये भी चल रही है। इसके अंदर आपको जो संडे के दिन जो वीकली क्लास मिलती है ना वो आपको लगातार टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती रहती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? और अभी मैंने ताजा आपको अपडेट दी है, अगस्त तक प्रमुख युद्ध अभ्यास की एक क्लास भी दे दी है बढ़िया तरीके से। तो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने किसके साथ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है, किसके साथ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार का आयोजन अभ्यास किसके बीच हुआ, भारतीय नौसेना और है संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। भारतीय नौसेना संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है। यह अभ्यास दुबई के अंदर आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से 2 जहाज थे, एक तो है INS विशाखापट्टनम और एक है INS त्रिकंद, इसमें भाग लिया है। तो भारत की तरफ से 2 जहाज इसमें भेजे गए थे दुबई के अंदर, तो INS विशाखापट्टनम और है INS त्रिकंद, इन दोनों जहाजों ने इसके अंदर भाग लिया। और संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच में जायद तलवार का आयोजन किया गया है, कहां पर किया गया, दुबई के अंदर।
दूसरा क्वेश्चन, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो उपराज्यपाल कौन है अपने, मनोज सिन्हा ने नोवे इंडिया इंटरनेशनल MSME, ठीक है, नाम सुना होगा, MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो, ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली के अंदर नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। सूक्ष्म, लघु और उद्यम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए, ठीक है। और तो लगभग क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या 74,000 जो करोड़ महिलाएं हैं वो क्या है, सूक्ष्म लघु उद्योग सामाजिक आर्थिक संबंधित क्या है, ये विशेष रूप से इसमें महिलाएं हैं जो भूमिका निभाती है। जम्मू और कश्मीर के संघ के उपराज्यपाल ने एक जिला और एक उत्पाद यानी कि ODOP बॉक्स का उद्घाटन भी किया है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या है, नई दिल्ली के अंदर है नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSE एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया, और इसके साथ साथ उन्होंने उपराज्यपाल ने एक जिला एक उत्पाद बॉक्स का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने किस राज्य के अंदर ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर है ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने तमिलनाडु राज्य में ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओरेविले में एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर एक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया है। ज्यादा आपको इसमें डिटेल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के अंदर द्रौपदी जी मुर्मू ने क्या है ओरेविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया है। बस एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से इसका याद रखना है, बाकी डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बन चुका है? तो ये भुसावल है ना, भुसावल ये एक स्थान है, कहां पर है, मध्य रेलवे के अंदर, ठीक है। आपने इसे नाम सुना होगा ना, उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिणी रेलवे, ऐसे नाम सुने ना, उसके अंदर मध्य रेलवे के अंदर एक शहर आता है भुसावल, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये है ना न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बने चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। बाकी मुख्य तथ्य देखो, पूरी डिटेल देखो इसकी, मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन ने इतिहास में भुसावल डिवीजन के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बनाई, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लेना, भुसावल डिवीजन के पहले, ठीक है, पहला स्टेशन है ये भुसावल डिवीजन का, लेकिन मध्य रेलवे का ये तीसरे स्टेशन के रूप में इसने अपनी जगह बनाई है, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। यह स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो महिला स्टेशन पर क्या है, महिला ही कर्मचारी यहाँ पर काम करेगी, पुरुषों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो महिला कर्मचारियों से ये संचालित रहेगा। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन का पहला महिला राज स्टेशन है, तो महिलाओं का राज है यहाँ पर चलेगा। मुंबई डिवीजन पर माटुंगा रेलवे स्टेशन, माटुंगा स्टेशन पहला है, जिसके बाद नागपुर डिवीजन पर अपनी अंजनी स्टेशन है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन, ठीक है, तो मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन बन गया अमरावती। इससे पहले दो कौन से हैं इसमें, दो, ये देखो पहले लास्ट वाला पॉइंट है, मुंबई डिवीजन पर माटुंगा स्टेशन है पहला, और नागपुर डिवीजन पर है अंजनी स्टेशन है दूसरा, ठीक है, और तीसरा बन गया न्यू अमरावती स्टेशन। तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन टपक सकता है, और ये सिर्फ महिलाओं का यहाँ पर कर्मचारियों से संबंधित ये संचालित है। अगला क्वेश्चन, हाल में न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो न्याय के पहुंच को और आसान बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए एक प्रयास के अंदर सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया है हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। वर्तमान के अंदर हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। तो उन्होंने क्या है, न्याय, अगर न्याय के अंदर पहुंचना हो
उन्होंने आधुनिकरण यानी कि उसको सरल बनाने के लिए आधुनिक में वर्तमान के अंदर है तो उन्होंने उनके प्रयास में एक सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण उन्होंने किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो न्याय के पहुंच को आधुनिकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास के रूप में भारतीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया है। ठीक है, तो सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया है। यह नवाचारिक प्लेटफॉर्म वकीलों, मुकदमों और नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण हॉल्स में प्रवेश करने के लिए QR कोड आधारित ई पास प्राप्त करने में मदद मिल सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हॉल बने होते हैं ना, वो बड़े बड़े, उसमें क्या प्रवेश करने के लिए QR कोड लगा होता है, तो उसको क्या ई पास करने में उनको मदद मिल सकेगी। तो कौन सा ये सुस्वागतम पोर्टल का उन्होंने अनावरण किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो आप जानते होंगे 15 अगस्त बहुत ही नजदीक आ चुकी है, तो 15 अगस्त के दिन हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे देश के हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर के अंदर हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो ये किया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया गया है। देखो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया है। आजादी का अमृत महोत्सव पहली फेज के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 13 से 15 अगस्त तक देश भर में होने वाला है। यानी कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक इस अभियान का आयोजन चलेगा। और मैंने आपको एक बताया था 9 से लेकर 15 अगस्त तक एक अभियान चलेगा, मेरी माटी मेरा देश, याद आ रहा है ना, मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है 9 से लेकर 15 अगस्त तक है। और ये हर घर तिरंगा वाला अभियान चलेगा 13 से लेकर 15 अगस्त तक। तो ये चीजें साथ साथ में आपको नोट करते जाना है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी पलक की निवेशक और ब्रांड मिस्टर बनी है? अब याद रखना, ध्यान रखना, एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, वो क्या है, ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी है, ध्यान रखना, पलक, ठीक है, पलक की निवेशक और ब्रांड मिस्टर बनी, तो वो बनी है करीना कपूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ये करीना कपूर है, ये पलक एक कंपनी है, इसकी निवेशक और ब्रांड मिस्टर बन चुकी है। तो ये ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा करीना कपूर। देखो बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी पलक की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है। कंपनी के पास 15 से अधिक श्रेणियों में 400 उत्पादों की एक श्रृंखला है, याद रखना, इस कंपनी के पास क्या है, 15 से अधिक श्रेणियों में 400 से अधिक उत्पादों की एक श्रृंखला है। तो ये पलक की निवेश और ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुकी है? बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर। नेक्स्ट है, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। यानी कि 24/7 का मतलब ये है कि 24 यानी कि हफ्ते के अंदर आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों के अंदर क्या है, 24 घंटे में क्या है, बैंक वाले भी वीडियो कॉलिंग करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे अपने वीडियो कॉलिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पर, अब वैसे बैंक वाले भी क्या है, ग्राहकों से वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगे, उनको देखेंगे भी व्यक्ति यही है, उसका चेहरा देखेंगे, उसके पास OTP आएगा, उसमें भी देखेंगे भी आया कि नहीं आया, उसका चेहरा भी देखेंगे, उसके अंगूठों के अंगूठा भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, बैंक वाले अब क्या है, उसके लिए 24 यानी कि 24 घंटे क्या है, 7 दिनों के अंदर 24 घंटे में अंदर कभी भी ग्राहकों के साथ वो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया, कौन सा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बन गया, AU, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये क्या है, वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है। देखो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 दिन 24 घंटे में वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया। ग्राहक VC जैसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो कहीं भी वो कहीं भी होगा तो उनके क्या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसके साथ बातचीत की जा सकती है। अब देखो बैंक आना सा गई वीडियो कॉलिंग बात होगी, तो देखा बैंक आना सा गई देखेगा भी उन खटक ये करने लग रहे हैं, किसो काम करने लग रहे हैं, तो सारा देखेगा और वीडियो कॉलिंग से बात भी करेगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक बन गया, तो AU स्माइल फाइनेंस बैंक बन चुका है। किस देश की संसद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले भंग होगी?
देखो कितना शानदार पॉइंट है, और ऐसा तो आपको पता ही है, चर्चा में चल रही है कौन सी, पाकिस्तान की भंग। ठीक है, पाकिस्तान की भंग ने अब सरकार बने ही 5 साल हो गया, सरकार बने जने में चुनाव होना ला, चुनाव होना में क्या है कि अब 5 साल का कार्यकाल पूरा होए कुनी, 3 दिन पहले पाकिस्तान की संसदें भंग होगी, तुम उतरो जगो पाकिस्तान। ठीक है, देखो पाकिस्तान की संसद है नेशनल असेंबली, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग हो चुकी है। निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, तो इनकी सरकार अब गिर चुकी है। नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया, तो संसद को भंग कर दिया और राष्ट्रपति ने आरिफ अलवी ने इसको मंजूर कर लिया। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार सत्ता संभालेगी, जो कार्यवाहक सरकार है ना वो सत्ता संभालेगी। अब यहाँ याद रखना संसद के वहां पर गिर चुकी है, भंग होगी। ठीक है, अब यह मान के चलो 2 या 3 महीने के अंदर लगभग माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव होंगे, तब देखेंगे भी पाकिस्तान का नया पीएम है या प्रधानमंत्री कौन है बनता है। तो ये भंग होगी, 5 साल का कार्यकाल होने से 3 दिन पहले भंग होगी पाकिस्तान की संसद। ठीक है, ये भी आपको बढ़िया तरीके से उसको याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बहुत सारे विद्यार्थी ने लगातार मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ बने हुए हैं, लगभग आपको पता है 11,300+ हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बड़े शानदार तरीके से, और डेली आपको सुबह 6 बजे करंट के साथ बहुत सारे विद्यार्थी मेरे क्लास के साथ लाइव में बने हुए हैं। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो का, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन लॉन्च किया गया, तो ये किया गया निराक्षी। ठीक है, कौन सा लॉन्च किया गया, निराक्षी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और इस तरह लगातार आप मेरे साथ बने हुए हो, जैसे जैसे मेरे साथ हैं कामखेड़ा बालाजी हैं, कांता शर्मा है, कविता है, जिनाली जाटनी, प्रेम कौर, निकिता स्वामी, उसके बाद में अंशु जाट, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ लगातार ये जुड़े होते हैं, और मैं लगभग सभी विद्यार्थियों के कमेंट भी लाइव लगातार मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि जवाब मैं नहीं दे पाता, लेकिन आपके जो सुबह करंट की क्लास मिलती है वो सबके मैं कमेंट आपके जरूर देखता हूँ। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 20, 30, 26, 15, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके अंदर आपको भारत का स्थान भी बताना है। ठीक है, इसके अंदर है भारत कौन से स्थान पर रहा था, इसका जवाब भी आपको साथ साथ मुझे देना है। तो टोटल पदक बताओगे और इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है वो भी आप मुझे बताओगे, तो इसका जवाब आपको बढ़िया तरीके से कमेंट में देना है। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिलेगी बढ़िया तरीके से, तो लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है, और आज आपको ताजा अपडेट के साथ शाम तक आपको वर्तमान के अंदर कौन क्या की क्लास आपको मिलेगी, यानी कि अगस्त के अंदर न्यूनतम नियुक्ति हुई है, तो ताजा अपडेट के साथ आपको वर्तमान में कौन क्या की क्लास है मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।